आज का जो चैप्टर है वो 9th क्लास के लिए है। 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि भारत जो है उन देशों में से विश्व में लगभग 12 जैव विविधता जो है वालों देशों में से एक है। भारत जो है लगभग विश्व में कौन से नंबर पे आता है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के मामले में? 12th नंबर पे। ठीक है, भारत में जो प्लांट स्पीसीज है, मतलब जो एक तरीके से जो पादप जो विविधताएं हैं, पादपों की जो विविधता पाई जाती है, ठीक है, पौधों की प्रजातियां, वो 47,000 पाई जाती है। ठीक है, और पूरे विश्व में भारत कितने नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। क्लियर? अगर इन पौधों में से 15,000 जो पौधे हैं उनमें क्या आते हैं? फूल आते हैं, फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और इसके नंबर इसमें जो है भारत 6th नंबर पे, 6% जो है बेसिकली पूरे वर्ल्ड का जो है वो भारत में मिलता है। इसके साथ आगे चलते हैं कि इंडिया में जो है 90,000 स्पीसीज जो है एनिमल्स की है बेसिकली, और भारत में जो फिश है, जो मछली है, वो फ्रेश वाटर मरीन वाटर मतलब कि मीठे पानी और समुद्री पानी दोनों की प्राप्त होती है। इसके साथ नेचुरल वेजिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो वेजिटेशन दो तरह की होती है। एक तो नेचुरल होती है, ठीक है, दूसरी होती है मैनमेड। ठीक है, मैनमेड या जो आर्टिफिशियल कह सकते हो आप। नेचुरल में कौन आते हैं? वो चीज़ें आती है, वो वेजिटेशन आती है जो अनटच होती है, बिल्कुल मनुष्य का उससे कोई सरोकार नहीं होता है, मनुष्य वहाँ कभी गया नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मैनमेड में जो है प्लांटेशन, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, जहाँ जिसको मनुष्य ने लगाया था, मनुष्य एक तरीके से जंगल उसने खुद क्रिएट किया, बागान क्रिएट किए, एक लाइन में जो है अपनी मर्जी के पौधे लगा दिए, तो वो क्या है? वो प्लांटेशन का हिस्सा है, वो मैनमेड है। ठीक है, इससे पता चल गया आपको कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है। नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली एक ऐसी वेजिटेशन, एक ऐसा जो है वनस्पति है जो एक प्लांट की कम्युनिटी को जो है दिखाती है जो विदाउट ह्यूमन, मनुष्य के बिना किसी इंटरफेरेंस के जो है अनडिस्टर्ब है बिल्कुल, और इसको वर्जन वेजिटेशन भी कहा जाता है, अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। क्लियर? इसलिए हम पे पता चलता है कि जो फार्मिंग वगैरह होती है वो क्या नहीं कहलाएगी, वो वर्जन वेजिटेशन नहीं कहलाएगी। इसके आगे चलते हैं एनडेमिक या इंडिजीनियस, जिसे देशज भी कहा जाता है, ठीक है, और एक्जोटिक, जिसे विदेशज भी कहते हैं। अब इसमें सिंपल सा जो है एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, सेब जो है वो यूरोपियन कंट्री जब जो एक तरीके से ब्रिटेन है हम पे जो शासन करते थे तब वो वहाँ से लेकर आए। आपने देखा होगा कि सेब जो है दूसरी जगहों पे नहीं होते, कहाँ होते हैं? कश्मीर या जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है उस जगह पे होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो है यूरोप से लाया गया फल है, जो यूरोप की जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसी में हो सकते हैं। क्लियर? इसके आगे अगर मैं देशज की बात करूँ तो जो मूल रूप से प्योरली इंडियन है, जो भारत में ही उगाई जाती थी शुरू से लेकर आज तक। क्लियर हो गया कि एंडेमिक और एक्जोटिक क्या है? क्लियर, एंडेमिक वो है जो देशज है, इंडिजीनियस है जो भारतीय है, और एक्जोटिक जो बाहर के देशों से यहाँ पे आ गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्लोरा फौना क्या है। बेसिकली फ्लोरा फौना का क्या मतलब है? वनस्पति से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, जो पौधों से रिलेटेड होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो फ्लोरा कहलाएगी। जितने भी पौधे हैं वनस्पति जगह से रिलेटेड है, पौधों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या जो है चीज़ें अफेक्ट करती है, सारा क्या है ये फ्लोरा के अंतर्गत आ जाएगा। फौना में जो है एक तरीके से प्राणी जगत, मतलब जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में जब आप बात करोगे तो क्या आ जाएगा? फौना के बारे में आ जाएगा, एनिमल्स के बारे में। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी विभिन्नता देखने को मिलती है, उसके दो कारण हैं, धरातल और क्लाइमेट मतलब सॉरी रिलीफ मतलब धरातल और क्लाइमेट मतलब जलवायु। क्लियर, अब इसमें भी जो है रिलीफ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लैंड और सॉइल। लैंड और सॉइल एक चीज़ नहीं है, धरातल मतलब जिस भी ज़मीन पर मैं खड़ी हूँ। क्लियर, अब वो जो है प्लेट्यू भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, प्लेन एरिया भी हो सकता है, लेकिन सॉइल का मतलब मृदा होती है जो उस ज़मीन उसके ऊपर एक बिछी हुई लेयर है पूरी तरीके से। मृदा कितनी तरह की होती है? लाल होती है, पीली होती है, काली मृदा होती है ना? तो पता चल गया लैंड और सॉइल में अंतर। अब ये जो है अलग अलग तरीके से जो है इफ़ेक्ट करता है। एक सिंपल सा है कि जो प्लेन एरिया है वो खेती के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, फर्टिलिटी वहाँ की अच्छी होती है, वहाँ पे पाए जाने वाले जो घास वगैरह है उसमें अंतर होता है, जो पहाड़ों में पाए जाने वाले घास वगैरह है उसमें अंतर होता है, पौधों में अंतर होता है। इसी तरीके से सॉइल भी है, सॉइल भी अलग अलग तरीके की होती है, और जो सैंडी सॉइल है वो जो है बेसिकली जो डेजर्ट है वहाँ पाई जाती है, और वहाँ पर जो है बहुत कटीले झाड़ियाँ होती है, कैक्टस होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं वेट की बात करूँ, जो डेल्टा वगैरह का इलाका है वहाँ पे अच्छी जो है मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होता है वो होते हैं, शंकुधारी होते हैं। क्लियर हो गए? इसके आगे चलती हूँ मैं क्लाइमेट में। क्लाइमेट को भी जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेम्परेचर,
फोटो पीरियड मतलब सनलाइट और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। टेम्परेचर मतलब जो तापमान है उस पर जो है अफेक्ट करता है। एक सिंपल सा है, हमें भी पता है कि भारत जो है टेम्परेचर लॉन्ग द ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल इन्फ्लुएंसिंग द वेजिटेशन एरिया, जो वेजिटेशन एरिया है उसको जो है कौन जो है प्रभावित करता है, तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर मैं ऊँची पहाड़ियों की बात करूँ जहाँ पे 915 मीटर पे जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा। ये रूल है, याद रखिएगा कि जो पहाड़ है जैसे जैसे आप पहाड़ ऊपर चढ़ते जाओगे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे पहाड़ जो ऊपर की चोटियाँ है या जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ होती है, आप देखते हो कि वहाँ पे क्या नहीं होते हैं, वहाँ पे पौधे या तो ना के बराबर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं नाम मात्र के, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वहाँ पे क्या नहीं होंगे, पौधे ही नहीं होंगे, क्लियर, क्योंकि वहाँ पे बारिश ही नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं फोटो पीरियड पे, सनलाइट पे। बेसिकली हमें भी पता है कि जो समर की जो टाइमिंग होती है उसमें जो सनलाइट होती है बहुत अच्छी पड़ती है वृक्षों पर, तो जिसकी वजह से वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है सनलाइट पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक सिंपल सा है, अब सनलाइट कम ज़्यादा कैसे होती है, एक सिंपल सा एग्जांपल देती है, हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, ये सूरज हो गया आपके लिए, क्लियर। अगर मैं सूरज की रोशनी की बात करूँ तो जो ये वाला सिस्टम है ये बिल्कुल सीधा डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है टाइम लगेगा, ज़्यादा दूर है, कम भी जाएगी रोशनी, तो इसीलिए ये वाले एरिया पे जो है वेजिटेशन जो है बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, रेगिस्तान होता है, पानी की कमी होती है, बारिश कम होती है, ठीक है। तो ये सनलाइट जो है इफ़ेक्ट करती है वहाँ के वेजिटेशन पे, क्लियर। और यहाँ पे जो है अच्छी खासी वेजिटेशन होगी, ये वाला इलाका जो होगा वहाँ पे सूरज की रोशनी भी अच्छी जा रही है, बारिश भी अच्छी होगी, क्लियर, समझ आ गया। बारिश का मतलब देखिए अगला पॉइंट ही आपका हो गया प्रेसिपिटेशन। मानसून जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करता है किसी भी जगह की जो है वनस्पति पे, ठीक है। भारत में जो है जून और सितंबर के टाइम पे जो है मानसून होता ही है वहाँ पे जो है, और जब ऐसी जगह जहाँ पे जो है मानसून कम होता है वहाँ की जो जो वनस्पति है वो कम होती है, वहाँ पे जो है कम घनी होती है, डेंस कम होती है, मतलब कि घनी कम होती है, जबकि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे ज़्यादा घनी वनस्पति प्राप्त होगी, ठीक है। अब फॉरेस्ट जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है कि लोकल क्लाइमेट जो है उसको अच्छा करते हैं फॉरेस्ट, कैसे करते हैं, एक सिंपल सा, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है पेड़ के नीचे चले जाओ थोड़ी ठंडक मिलेगी, तो जो फॉरेस्ट है जंगल ही है ना, पेड़ ही है, क्लियर। इसके साथ सॉइल इरोजन को जो है कंट्रोल करता है, सॉइल इरोजन मतलब जो मिट्टी है वो बह जाना, ठीक है, मिट्टी के ऊपरी लेयर का बह जाना, चाहे उड़ जाना, हट जाना। अब ये कैसे होता है, ये देखिए एक पेड़ है, ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं वो कितना नीचे तक है, ठीक है। अब मिट्टी को जो है नीचे तक इन्होंने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है। अब पकड़ने की वजह से क्या होगा, मिट्टी उड़ के नहीं जाएगी, बह के नहीं जाएगी, क्लियर। इसके आगे चलते हैं रेगुलर स्ट्रीम फ्लो, मतलब कि रिवर्स वगैरह का जो फ्लो होता है वो भी इसे रेगुलेट करता है, सीधी सी बात है। ये जो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, ये अलग अलग जगहों से ये पानी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पानी को भी जो है क्या कर रहे हैं, ये रोक के रख रहे हैं, क्लियर, तो उसको रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को जो है रॉ मटेरियल यहाँ पे मिलता है, हमें भी पता है कि अगर कपास है उसका जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से मिल रहा है, कपास हो गया, या फिर दूसरी सीधी सी बात है, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए जो है फर्नीचर बनवाना है, ठीक है, तो फर्नीचर के लिए भी जो है जो रॉ मटेरियल है पेड़ की लकड़ी, ठीक है, वो कहाँ से मिलेगी आपको, जंगलों से ही मिलेगी, क्लियर। इसके आगे चलते हैं प्रोवाइड लाइवलीहुड, लोगों की जो है जीविका प्रदान करता है, लोग जो है इसको काट कर या यहाँ पे जो है सामान कलेक्ट करके जो है जो फल वगैरह कलेक्ट करके बाहर बेचते हैं, तो लोगों को क्या जीविका प्रदान कर रहा है, जीने जीने का जो है जीवन जीने का सहारा दे रहा है। पैनोरामिक और सीनरिक व्यू, बेसिकली ये बहुत अच्छे अच्छे जो है पर्यटन स्थल जो है बनाता है, प्राकृतिक जो दृश्य है वो अच्छा जो है बनाता है, जिससे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। हम सब भी जब शहरी जीवन से बोर हो जाते हैं तो गांव की तरफ चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण अच्छा होता है, ठीक है। प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को जो है ह्यूमस प्रदान करता है। अब वो कैसे देता है, सीधी जब पतझड़ होता है, पत्तियाँ जो है गिर जाती है, फिर वो जो है मिट्टी में जो है खाद बन जाती है, तो जो हमारा जो है मिट्टी है उसको क्या दे रहा है, ह्यूमस दे रहा है, जीवाश्म दे रहा है। शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है वन्य प्राणी है उसको घर कौन दे रहा है, जंगल दे रहा है ना, जानवरों का घर तो नहीं बनाया जाता है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंडियन नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस, बेसिकली हमारी जो भारतीय वनस्पति है वो बहुत ज़्यादा सारे बदलाव के कारण से गुजरी है, और वो अलग अलग कारण रहा है। हमारे यहाँ कल्टिवेशन लैंड मतलब जोतने की ज़मीन की जो है एक तरीके से मांग बढ़ी है, ठीक है, जिसकी वजह से जंगलों को साफ कर दिया गया। इंडस्ट्रियल और माइनिंग का जो इलाका है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से जंगलों को काटा जा रहा है, सीधी सी बात है ना, पेड़ों को काटा जा रहा है इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए, माइनिंग की जा रही है तो पेड़ों को काटा जा रहा है, ज़मीन खोद के जो है कुछ मिनरल्स वगैरह निकाले जा रहे हैं, तो
शहरीकरण, शहरों को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, अर्बनाइजेशन किया जाएगा, उतना ज़्यादा पेड़ों को काट के वहाँ नए शहर बसाए जाएंगे। ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर, मतलब जो ज़मीन है चारागाह है वहाँ पे बार बार जो है एक ही ज़मीन पे जानवर चरते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उस जगह की फर्टिलिटी जो है, उपजाऊ शक्ति जो है कम होती जाती है। क्लियर। इसके साथ हम आगे पढ़ते हैं कि भारत जो है वो अब ज़्यादातर ऐसी जगह नहीं बची है भारत में जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन हो। क्यों? क्योंकि इसे हमने मॉडिफाई कर दिया, रिप्लेस कर दिया, डिग्रेड कर दिया है। मॉडिफाई बदल दिया है, रिप्लेस किसी दूसरी चीज़ से जो है चेंज कर दिया, मॉडिफाई बदल एक तरीके से अच्छा किया है, डिग्रेड उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम करना। ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ नहीं हो पाई है, ये जो है हिमालय के जो हिली रीजन्स है वहाँ पे नहीं हो पाई है, मरुस्थलियों पे नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ पे जो है पहुँचना बहुत आसान नहीं है। ठीक है। सेंट्रल इंडिया जहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप इलाका मान सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की, भारतीय इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करूँ 2011 की, तो इसके अकॉर्डिंग जो है भारत में कितनी ज़मीन जो है फॉरेस्ट से कवर है, 21.05%। ठीक है। अब पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, जो एक ऐसा सिस्टम, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं, पेड़ है। ठीक है। पेड़ को जो है किसने खाया, डियर ने खाया। ठीक है। डियर ने खाया, इसके बाद जो है डियर को जो है किसने खाया, लॉयन ने खाया। लॉयन की डेथ के बाद जो है जो मिनरल्स हैं वो कहाँ गए, वापस ज़मीन में चले गए, सॉइल में चले गए। सॉइल से इस चीज़ को वापस किसने लिया, पेड़ ने लिया। ठीक है। तो ये एक सर्कल है जो कंटिन्यू चल रहा है। क्लियर। अब यही जो है इकोसिस्टम है। द सिस्टम इज क्रिएटेड व्हेन ऑल द सारे प्लांट्स जो है, सारे एनिमल्स लिविंग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट टू ईच अदर। ठीक है। और इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है। किसी भी क्षेत्र के पादप की प्रकृति जो है काफ़ी हद तक एक दूसरे पर जो है प्रभावित होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर। अब ये जो है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं फिजिकली भौतिक पर्यावरण में। तो ये क्या कहलाता है, एक संबंध जो है बन जाता है इकोसिस्टम का। बायोम किसे कहते हैं, जिसे जियोम भी कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, जियोम भी कहा जाता है। जब ये इकोसिस्टम एक बड़े लेवल पे होगा तो क्या कहलाएगा, बायोम कहलाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कि जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक तरीके से इलाका है सहारा मरुस्थल, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे इकोसिस्टम होंगे, है ना। तो ये जो बड़ा वाला इलाका है, ये बड़ा जो सिस्टम है ये पूरा एक चीज़ में आएगा, वो क्या कहलाएगा, जीवम कहलाएगा। ठीक है। यही चीज़ बोली गई है, लार्ज इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम का बड़ा जो एरिया है, लैंड हैविंग द डिस्टिंक्ट टाइप मतलब एक ही ज़मीन पर, तो वो क्या कहलाएगा, बायोम कहलाएगा, और इसको हिंदी में जीवम भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देख लीजिए आप लोग कि बेसिकली जो वनस्पति है उसके जो है पांच प्रकार हैं। सीधी सी बात है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब सदाबहार हमेशा ही इनमें सदाबहार रहेगी, बारिश होती रहेगी, इनकी पत्तियाँ जो है हरी भरी रहेगी, सदाबहार है। ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बेसिकली पर्णपाती वन, पर्णपाती को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट मतलब जो आर्द्रता वाली है, जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से बारिश वगैरह होगी, ड्राई जहाँ थोड़ी कम होगी। ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स मतलब कि उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियाँ, जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होगी, जैसे राजस्थान का आप इलाका देख सकते हो, वहाँ बारिश क्या है बहुत ही कम है, ना के बराबर, कंटीले वन वगैरह मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन बेसिकली ये ऐसे तटीय जो इलाके होते हैं, जो आपको ही पता है भारत का जो नीचे वाला इलाका, ये वाला इलाका है ना, ये जो सारा क्या है तटीय इलाका है, यहाँ पे अगर कोई पेड़ वगैरह होंगे तो उनकी जो जड़ें हैं वो कंटिन्यू कहाँ डूबी रहेंगी, पानी में डूबी रहेंगी, तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट का हिस्सा है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसकी ऊंचाई के अनुसार। ठीक है। द वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, द टेम्परेट फॉरेस्ट और अल्पाइन वेजिटेशन। अब ये अलग अलग जो है पूरे मैप में आपको दिखा रखा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है, जहाँ बारिश ज़्यादा है, देख लीजिए असम नागालैंड वगैरह का जो साइड है। ठीक है। मणिपुर मिजोरम और इधर ये तटीय इलाके। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो मैदानी इलाका है पूरा। क्लियर। वहाँ पे इसके साथ माउंटेन फॉरेस्ट जो पहाड़ी है, हमें भी पता है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका पूरा पहाड़ है, हिमालय पर्वत वाले जो श्रृंखला है। ठीक है। आगे हम चलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है कहाँ प्राप्त किए जाते हैं, जो बिल्कुल ये देखिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का हिस्सा हो गया, जो तटीय इलाके हैं, बताया था ना मैंने आपको। नेक्स्ट चलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, बेसिकली जहाँ पे बिल्कुल पानी ना के बराबर हो, यहाँ पे राजस्थान गुजरात वाला इलाका जो है आपका। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आप ये देख सकते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन है ना,
कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए एक के साथ एक, और बिल्कुल सीधे, बिल्कुल मजबूत लकड़ी है ना। याद होगा आपको कि प्लांटेशन में जो है, जो चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ाया था उसमें यही बताया था कि उन्हें क्या सी लकड़ी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसी लकड़ी चाहिए थी, है ना। ये ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं और एवरग्रीन मीन्स मतलब हमेशा ही यहाँ रेनफॉल, बारिश होती रहती है। अब एक एग्जांपल देखते जाइए कि कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछा जाए तो 200 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल यहाँ होती है। यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है, 60 मीटर या उससे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि पत्तियों का जो, अपने पतझड़ का जो टाइमिंग होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। जब इन्हें लगता है कि पत्तियाँ पुरानी हो गई है तब गिराना है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, क्लियर। इसके साथ यहाँ की जो ट्रीज है वो कौन सी है देख लीजिए, एबोनी है, महागोनी है, रोजवुड है, रबड़ है, चिंचोना है, ठीक है। अब ये क्या आपको जो है इससे क्या पता चलता है कि कौन सी जो है एक तरीके से यहाँ पे प्राप्त होती है, यहाँ पे जो है बहुत हमेशा ही जो है क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है। तो ऐसे वन जो है यहाँ पे होते हैं जो क्या हमेशा सदाबहार रहेंगे, ठीक है। अब एबोनी को आबनूस भी कहा जाता है, बाकी तो सेम ही रहेगा। इसके साथ एक और चीज़ कि यही वो वन है जिन्हें क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। सदाबहार के साथ साथ वर्षा वन भी, क्योंकि वहाँ वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर। अब इसके एनिमल्स को देख लेते हैं, आप देख ही सकते हैं एलिफेंट है, हाथी है, मंकी, स्लोथ, डियर, राइनोसोरस वन और राइनोसोरस, इसकी जो है एक ही सींग है, ठीक है, एक ही जो है हॉर्न है। इसके साथ बैट हो गया, स्लोथ हो गया, स्कॉर्पियन, ठीक है, बिच्छू जैसे कहते हो, स्नेल हो गए या बर्ड्स हो गए, ये सारे क्या है ये यहाँ पे आराम से प्राप्त, एक तरीके से कहा जाता है ना हेल्दी जो हैबिचुअल है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है। और एरिया कौन सा, मैंने पहले ही बताया था, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ स्टेट, जो आपको अच्छे से याद रह सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ जो साइड है, नॉर्थ ईस्ट साइड का जो इलाका है, सिंपल सी बात करूँ तो मैं। और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। और इन्हीं वन को जो है मैंने बताया था, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये ऐसे ही रहते हैं। अब दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, आर्द्र, जहाँ नमी ज़्यादा है। अब सीधी सी बात है, जहाँ नमी ज़्यादा है वहाँ पे क्या ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी। 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर नॉर्मल होती है पूरे वनों में। और सिर्फ मॉइस्ट में कहाँ होगी, 100 से 200, ठीक है। और ड्राई में जो शुष्क है वहाँ पे 70 से 100, ठीक है। अब एरिया कौन सा है मॉइस्ट के लिए, अगर मैं बात करूँ तो जो है झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर जो वेस्टर्न घाट के स्लोप्स हैं। और ड्राई की बात करूँ तो वो कहाँ पर है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम ट्रीज़ की बात करें तो कौन कौन से ट्रीज़ हैं यहाँ पे, देखिए नीम हो गए, पीपल हो गए, ये ड्राई डेसिडियस में होते हैं, बिल्कुल शुष्क में होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मॉइस्ट की, जो आर्द्र में है, तो वहाँ पे कौन से हैं, टीक हो गया जिसे जो है साल कहते हो, शीशम हो गया, बांस हो गया, बैम्बूस, ठीक है, साल, अर्जुन, इसके साथ कुसुम, मलबेरी जिसे क्या शहतूत कहा जाता है, सैंडलवुड जिसे जो है चंदन की लकड़ी आई थिंक कहा जाता है, व्यापारिक खैर, ठीक है, ये सारे वृक्ष हो गए। अब इनकी जो है एक तरीके से ये बात याद रखिएगा, सेडिंग का टाइम मतलब पतझड़ का टाइम डिसाइडेड होता है समर में। समर में यहाँ पे गर्मियों में बहुत धूप पड़ती है तो सारे जो पेड़ होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं, कहते हैं पत्ते नहीं होंगे तो वेपोरेशन नहीं होगा, पानी कम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जानवर कौन से पाए जाते हैं देख लीजिए, लॉयन, टाइगर, पिग, सुअर हो गया, शेर, बाघ, डियर, हिरण, एलिफेंट, हाथी, लिजर्ड, ठीक है। लिजर्ड देखिए यहाँ पे कितनी यूनिक है, वैसे लिजर्ड हो गई है, यहीं पाई जाती है, ठीक है। छिपकली, स्नेक, सांप, टॉर्टोइस, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट क्रब्स, बेसिकली वो जगह जहाँ पे कंटीले वन और झाड़ियाँ प्राप्त होती हैं। अब इन शॉर्ट कहा जाए तो जो राजस्थान वाला इलाका है, गुजरात के कुछ इलाके, ये देखिए आपको सीधे से पता चल जाएगा कितनी कंटीली झाड़ियाँ वगैरह, कैक्टस वगैरह है ना। अब यहाँ पे जो है रेनफॉल कितनी है, लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल है, ठीक है। इसके साथ चलते हैं कि कौन कौन से जो है वनों में जो है कौन कौन सी तरह के क्या पौधे पाए जाते हैं, तो अकैकियस हो गया, ठीक है, खजूर, पाल्म हो गया, यूरोपियस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है नागफनी जिसे कैक्टी भी कहा जाता है, ठीक है। अडेप्टिव ट्रीज़ जो है, यहाँ पे अडेप्टिव ट्रीज़ का क्या मतलब है कि इन्होंने अपनी इस जो एक तरीके से जगह है इसको बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि ट्रीज़ जो होते हैं यहाँ की, इनकी जो रूट्स होती है, अगर ये ट्री है, ठीक है, तो इसकी जो रूट्स है बहुत नीचे नीचे, बहुत डीप गई होती है, देखिए डीप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ताकि ये नीचे नीचे से जो है पानी प्राप्त कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पेड़ होते हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर होते हैं, क्लियर। इसके साथ साथ जो है पत्तियाँ जो है बहुत छोटी छोटी होती है,
ठीक है, स्टेम्स जो है सर्कुलेट होती है वो छोटी होती है ताकि कंजर्व वाटर मतलब पानी को जो है बचत की जा सके, वाष्पीकरित ना हो जाए, इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो, ठीक है। एनिमल्स जो होते कौन कौन से होते, देखिए रैट है यहाँ पे, रैट है, रैबिट है, वाइल्ड एस है, फॉक्स है, वुल्फ है, हॉर्स, कैमल, कैमल आपको पता ही है, अगर मैं बात रेगिस्तान की कर रही हूँ तो वहाँ पे कैमल तो पाया ही जाएगा, अफ्रीका रेगिस्तान का जहाज़ कहलाता है। अब एरिया कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट पर्वतीय वन पे, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे हम जो है एक तरीके से डिक्रीज द टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग चलता रहता है, ठीक है। अब इसमें भी हमें पता है कि ये जो है एक तरीके से ऐसी जगह है जिसे टुंड्रा वन बेसिकली कहलाती है। अब यहाँ पे टुंड्रा वन से जो है ये देखिए कैसे ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं, हमारे पेड़ों की जो हाइट जो है बदलती जा रही है। अब इसमें जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, जिसे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी कहा जाता है हिंदी में। और इसकी ऊंचाई, ये कितनी ऊंचाई पे, पर्वत की ऊंचाई है ना, पर्वत पे कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे प्राप्त होते हैं। और इसमें जो है कौन से, देख लीजिए, ओक और चेस्टनट जो है बेसिकली प्राप्त होते हैं, क्लियर, चेस्टनट होते हैं, और ये शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है आराम से मिल जाते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टेम्परेट फॉरेस्ट पे। टेम्परेट फॉरेस्ट को शंकुधारी वृक्ष भी कहा जाता है, क्लियर। और ये कहाँ पाए जाते हैं, साउदर्न स्लोप्स वगैरह पे, हिमालय का जो हिस्सा है वहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड पे, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके जो कौन से हैं, देखिए पाइन है जिसे चीड़ भी कहा जाता है, देवदार हो गया, स्प्रस हो गया जिसे सिल्वर फर भी कहा जाता है, स्प्रूस हो गया, सेवदार हो गया, ठीक है। एल्पाइन वेजिटेशन ये जो है कहाँ, ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, ठीक है, घास के मैदान भी होते हैं, अल्पाइन वनस्पति की जो जगह ले लेते हैं 3600 मीटर। अब बेसिकली ये इतनी ऊंचाई पे होते हैं कि एक घास के मैदान की तरह लगते हैं, क्लियर, ज़्यादा ऊंचे ऊंचे नहीं होते हैं। अब सिल्वर फर जूनिपर्स, ये देख सकते हैं आप, सिल्वर फर जूनिपर्स, पाइन, बर्चिस जो है ये पेड़ जो है यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब देखिए सिल्वर फर की ऊंचाई कितनी कम है ना, तो ये जो है ऊंचाई इन पेड़ों की बहुत कम होती है, बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं, क्लियर, क्यों, क्योंकि हिमरेखा से जो बिल्कुल ही जो है स्नो वाला जो सिस्टम होता है उससे बहुत पास होते हैं, और गुज्जर बकरवास समुदाय जो होते हैं वो यहीं पे ही रहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा जो है सर्दियाँ जब स्टार्ट हो जाती है तो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, गर्मियों में ये यहीं रहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से जो है एनिमल प्राप्त होते हैं ये भी देख लेते हैं। कश्मीरी स्टैग जिसे कहा जाता है, कश्मीरी महामृग आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है, स्पॉटेड डियर होता है एक तरीके से, चितकबरा हिरण आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है स्पोर्ट बने हुए हैं, वाइल्ड शिप जंगली जो है एक तरीके से, भेड़, खरगोश आप देख सकते हैं, तिब्बतियन एंटीलोप, ठीक है, तिब्बतीय बारह सिंगा जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्नो लियोपर्ड, बेसिकली आप देख सकते हैं कितना फरी है, लियोपर्ड तो है पर फरी है, इससे क्या पता चलता है ये कहाँ पे जो है, ये जो है बिल्कुल बना ही इसीलिए है कि वो कहाँ पे रह सके, वो बिल्कुल बर्फ में रह सके। स्क्वायरल हो गया, बियर हो गया, रेड पांडा, सैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, नॉर्मली इसे आईबैक्स ही कहा जाता है, लेकिन सैगिड हॉर्न का मतलब क्या है, इसके जो ये सर्कल में जो ये है क्या नाम, सींग है, इसके लिए इसे सैगी हॉर्न कहा जाता है, वाइल्ड मतलब जंगली, आईबैक्स तो का नाम ही है। अब शिप भी जो है यहाँ पे ऐसे ही प्राप्त होती है, ठीक है, बेसिकली क्लियर, जो ज़्यादा फरी होती है ताकि ये सर्दियों से खुद को बचा सके, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट ये आप देख सकते हैं, एक सेकेंड आपको मैं यहाँ पर दिखाई देती हूँ कि ये देखिए कि इसकी जो ये है जड़े हैं नीचे ही हैं, और जब ये टाइडल इफेक्ट आएगा, जब पानी थोड़ा बढ़ेगा तो ये पूरा यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, ये पूरा पानी से कवर हो जाता है, इसीलिए इसे जो है मैंग्रोव वन कहा जाता है, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है कहाँ, कोस्टल एरियाज में, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो नीचे वाला साउथ वाला इलाका है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर होगा, और ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, मड सिल्ट वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, बालू मिट्टी जो है एकत्रित हो जाता होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ पे फाउंड इन डेल्टास ऑफ रिवर, जहाँ रिवर है वहीं पे ही प्राप्त होगा, उनके किनारों पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, गंगा नदी, ठीक है, और सुंदरी जो ट्रीज है जिसकी वजह से सुंदर वन पूरा बना है ना, सुंदरी ट्रीज की वजह से ये भी पूरा क्या है, ये मैग्रोव वन ही है, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ये देख लीजिए, पाल, खजूर, कोकोनट, नारियल, केवड़ा, अगरवुड, ठीक है, यही जो है वृक्ष यहाँ पे प्राप्त होते हैं, क्लियर हो गया आपको इतनी चीज़ें, नारियल, ताड़, केवड़ा, ये तो सेम ही है। एनिमल्स पे चलते हैं हम, रॉयल टाइगर, टर्टल, स्नेक्स, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, ये भी देख सकते हैं, यही जानवर जो यहाँ पे प्राप्त होते हैं, आप सबको पता है बंगाल में रॉयल टाइगर, बंगाल बहुत ही फेमस है। मेडिसिनल प्लांट की अगर हम बात करें तो
तो भारत में जो है बेसिकली क्या है, 2000 बहुत पुराने टाइम से मेडिसिनल प्लांट जो है यूज़ होते आए हैं, 2000 प्लांट्स यहाँ पे जो आयुर्वेद में जो यूज़ होते हैं, और 500 तो रेगुलर ही यूज़ होते हैं रेगुलर बेसिस पे। वर्ल्ड कंजर्वेशन जो है एक तरीके से विश्व संरक्षण संघ ने जो है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने जो है 352 जो मेडिसिनल प्लांट है उसको रेड लिस्ट किया है, मतलब खतरे में है। 52 को जो है क्रिटिकल थ्रेटेंड बोला है, मतलब बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है। 49 तो एंडेंजर है, बेसिकली ख़त्म होने वाली सिचुएशन है उनकी, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। सर्पगंधा को जो है ब्लड प्रेशर के लिए, जो है रक्तचाप जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जामुन की जो बीज होते हैं उसको डायबिटीज़ कंट्रोल की जाती है। अर्जुन जो है एक वृक्ष है जिससे जो है रक्तचाप फिर से कंट्रोल किया जाता है। बबूल जो है उससे जो है दो चीज़ें, एक आँखें जो है वो जो है लाल वगैरह रहने लगती है, तो उसके जो है उसकी लीव्स जो है वो लगाई जाती है, उससे दूध जो निकलता है। और जो बबूल का गम होता है बेसिकली एक जो है कुछ निकलता है, आपको मैं कभी दिखाऊंगी, वो जो है वहाँ से अगर निकालो तो उसको खाने से जो है बहुत अच्छी टॉनिक होती है वो, ठीक है। नीम जो है हमें भी पता है कि जैव जीवाणु प्रतिरोधक है, एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं उसके अंदर। और तुलसी जो है कोल्ड कफ में काम आती है। कचनार जो है अस्थमा और अल्सर के लिए जो है बहुत अच्छा है, ये आप फोटोज देख सकते हैं इनकी, ठीक है, इनके पहचानने में बहुत काम आएगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं वाइल्ड लाइफ पे, ये अगला टॉपिक है। बेसिकली 90,000 एनिमल स्पीसीज जो है भारत में पाई जाती है। 2000 स्पीसीज जो है पक्षियों की जो है प्राप्त होती है हमें, और ये विश्व का जो है लगभग 13% हमारे यहाँ है, ठीक है। अब अगर मैं फिशेज की बात करूँ, मछलियों की बात करूँ, तो 2546 जो है भारत में प्राप्त होती है, पूरे विश्व का ये 12% स्टॉक है। अगर मैं 5-8% की बात करूँ तो भारत में क्या है, उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी है, एम्बिशियस रेप्टाइल्स और मैमल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पता ही आपको असम कर्नाटक वगैरह में जो है एलिफेंट प्राप्त होते हैं। वन और मतलब एक सिंग वाला जो गैंडा है वो असम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। थार डेजर्ट में कौन कौन से, बाइसन, नील गाय, गैजल, चौसिंगा, ये प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा भी जो नाम दे रखे वो आपने ऑलरेडी देखे हुए होंगे, ठीक है। इसके आगे मंकी भी प्राप्त किए जाते हैं यहाँ पे, मिलते हैं इन शॉर्ट कहा जाए तो। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे टाइगर, लायन और लेपर्ड तीनों मिलते हैं, ठीक है, बाघ, शेर और चीता, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर तेंदुए को कहते हैं। और गिर फॉरेस्ट जो है वो गुजरात में है, जो नेचुरल हैबिटेट है किसका, लायन का, ठीक है। इसके साथ हिमालय में कौन कौन से जानवर, याक पाए जाते हैं, ऑक्स पाया जाता है, टिबेटियन एंटीलोप, ये सारे फोटोज़ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, आईबैक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, ठीक है। इसके साथ रिवर्स और लेक्स में अगर मैं बात करूँ तो टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, यही प्राप्त होते हैं, और ये भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बर्ड अगर मैं बात करूँ तो पिकॉक, पीजेंट, पैराकीट्स या फिर कबूतर, पीजन, डक, बतख, क्रेंस, ये जो है भारत में मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि वाइल्ड लाइफ की जो वेजिटेशन है वो भारत की में जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका जो है हम अलग अलग कारण देखते हैं। सिंपल सा कारण है कि देखिए कि वी गेट अवर क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट, मैनी मेडिसिनल प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोरा, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जैव विविधता रहेगी तो ये जो है एक तरीके से देखने में अच्छा लगेगा, इसकी जो है रिच हम बायोडाइवर्स के मामले में रहेंगे। इसके साथ मैनी मेडिसिनल प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोरा, मतलब बहुत सारे जो एक तरीके से पादप है वो हमारे दवाओं में काम आते हैं, हम सबको ही पता है ना। इसके साथ जो है बहुत सारे जो जानवर है वो हमें दूध देते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड ड्रॉट पावर, मतलब कि जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाने का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, सामान ढोन मतलब हमें भी एक जगह से दूसरी जगह लाते ले जाते हैं, मीट और एग देते हैं। न्यूट्रिशियस जो है फिशेज जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस पावर होता है उनके अंदर। इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन, और हमें भी पता है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, कि एक जगह से जब दूसरी जगह वो उड़ के जाते हैं तो उनके पैरों में जो है वो पौधों के जो है बीज वगैरह लग जाते हैं और वो अपने साथ उन चीज़ों को उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है, दूसरी जगह वो पौधा जो फिर पनपता है। अब फ्लोरा फौना को बहुत ज़्यादा डर है, थ्रेटन है, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो कंटिन्यू जो है डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। मनुष्य की जो है नीड जो है किस में बदल गई है, ग्रीड में बदल गई है, मतलब हमारी ज़रूरत हमारे लालच में बदल गई है। और प्रकृति हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब देखिए 1300 प्लांट जो है एंडेंजर है, खतरे में है, 20 स्पीसी जो है लुप्त होने की कगार पे हैं। अब इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ऑलरेडी खतरे में हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो गायब ही हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो खतरा है वो बहुत सारे कारणों से है, जैसे कि हम जो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं अपने ग्रीड के चक्कर में, ठीक है, अपने कमर्शियल पर्पस, अपने व्यापारिक कामों के लिए उनका शिकार करते हैं। पॉल्यूशन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है उसकी वजह से जो ज़मीन वगैरह पॉल्यूटेड हो जा रही है, इसके साथ जो है नदियाँ और लेक्स पॉल्यूटेड हो रही हैं।
एसिड डिपॉजिट मतलब कि उनमें जो है जो इंडस्ट्रीज का जो एसिड निकल रहा है, जो गंदगी निकल रही है वो डिपॉजिट होती जा रही है और जो नुकसान कर रही है, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एलन स्पीसीज। इसके साथ क्या है कि जो नई नई स्पीसीज है जो हम एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन का कारण हो गई है वो, क्लियर। इसके साथ रेकलेक्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बेसिकली डिफॉरेस्टेशन का जो कार्य है, जो हम अंधाधुंध जो है काटे जा रहे हैं उनको, क्लियर। इसके साथ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमारे यहाँ 18 बायोस्फीयर है, बेसिकली 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट फॉर द कंट्री प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। देश में जो है 18 जो है एक तरीके से बायोस्फीयर बनाए गए हैं ताकि क्या किया जाए, जो इनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में इनको रखा जा सके। 10 देखिए यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, इन सब में जो है जीव मंडल निचले क्षेत्र बनाए गए हैं। 18 बायोस्फीयर के नाम भी आप पढ़ सकते हैं, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार मतलब मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, ठीक है। इसके साथ आगे है सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिबू साइकोवा, अगस्त्य मलाई, कंचनजुंगा, पंचगढ़ी, अचक कमर, अमरकंटक, ठीक है। इसके साथ आगे पढ़ते हैं कि बेसिकली हमें पता है कि जो फाइनेंशियल एक तरीके से फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू प्रोवाइड टू मैनी बोटानिकल गार्डन्स ऑफ द गवर्नमेंट सिंस 1992 में जो है बहुत सारे पादप उद्यान को जो है वित्तीय और तकनीकी सहायता जो है कौन दे रहा है, सरकार दे रहा है। कच्छ हो गया, कोल डेजर्ट हो गया, शीशम पन्ना, ये सारे जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इसकी इसको दिया जा रहा है। और इसके साथ बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए अलग अलग जानवरों को जो है बचाने के लिए जो है मुहिम चलाई गई है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें भी बनाई गई है, जैसे कि 103 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, ठीक है। इसके साथ 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, मतलब वन्य प्राणी अभयवन बनाए गए हैं। जूलॉजिकल मतलब बहुत सारे चिड़ियाघर बनाए गए हैं, जहाँ पे इन जानवरों का क्या इनके नेचुरल हैबिटेट में, हेरिटेज में रखा जाता है ताकि ये वहाँ पे क्या रह सके, अच्छे से जीवन यापन कर सके। अब जब कहीं किसी भी जगह को किसी एक जानवर को सुरक्षित रखा जा रहा है, तो जो दूसरी जानवर है वो भी अपने आप उस जगह पर सुरक्षित हो जाते हैं। क्लियर हो गया, आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर जो है इतना ही था। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।